चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी के चलते राजधानी में शहर कांग्रेस की ओर से चाय पर चर्चा अभियान शुरू किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन के विरोध में जयपुर की चाय की दुकानों और थड़ियों पर जनचर्चा की जा रही है। चाय पर जनचर्चा के दौरान जयपुर की सभी चाय की दुकानों और थड़ियों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को भाजपा सरकार की नीतियों से अवगत कराया। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस बार प्रचार सामग्री के आधार पर चुनाव नहीं लड़कर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप चुनाव से पहले तो कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और, जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कांग्रेस को तो जवाब देना है, बीजेपी को देना ही नहीं है। ऐसा कैसे होगा साहब? इस कंट्री के लिए सबसे पहले कंट्री है, सबसे पहले आपकी मॉरल ड्यूटीज है। मॉरल ड्यूटीज से कोई, मैं विपक्ष का धर्म निभा रहा हूँ, आप सरकार का धर्म निभाइए। आपने जो कहा वो कभी नहीं किया, जो नहीं कहा वो सब कर दिया आपने, आपकी जो इच्छा थी वो सब किया आपने। इसलिए ये मानिए स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई। स्टेट गवर्नमेंट का हर मिनिस्टर करप्शन के चार्ज में फंसा हुआ है, हर एमएलए एमपी दूर है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिनेश कसाना। दिनेश, बताएं कि क्या कांग्रेस अब जनता को वोट के लिए रुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चाय पर चर्चा कहीं ना कहीं एक वोट की तरफ लोगों को अपने रुझाना है? बिल्कुल रौनक, देखिए चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के चलते प्रत्येक राजनीतिक पार्टी हो, नेता हो, सब मतदाता तक पहुंचने का तरीका ढूंढते हैं। और ये जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मतदाता तक कैसे पहुंचा जाए, जिसका ये तरीका अजीब तरीका ढूंढा है। और चाय पर चर्चा के माध्यम से सुबह जल्दी भी और दोपहर को भी, शाम को भी, जैसे भी लोग एक जगह चाय की थड़ी पे, दुकान पे, रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे, जो जहां सार्वजनिक स्थान है वहां लोग काफी एकत्रित रहते हैं और वहां जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं, उनसे चर्चा की है, आम जनता से चर्चा की है, जो भाजपा सरकार की विफलताएं रही है, क्या विफलता रही। दिनेश, आपने प्रताप जी से बात की तो क्या दिनेश आपने प्रताप जी से बात की कि आखिर चुनावों से पहले ही उन्हें चाय पर चर्चा की याद क्यों आई, जब इससे पहले भी सरकार में वो थे, उसके बाद जब सरकार थी बीजेपी की उससे पहले भी उनको याद आ सकती थी, लेकिन अब जब चुनाव वापस पास में आ चुके हैं, जब चुनाव के एक डेढ़ महीने बचे हैं, तब ही उनको चाय पर चर्चा है, लोगों के बीच जाकर बात करना है, वो क्यों याद आया? बिल्कुल, देखिए रौनक, प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि हम सरकार की प्रत्येक जो विफलताएं रही है उनको समय समय पर उजागर करते रहे हैं, जनता को उनके बारे में बताते रहे हैं। और अब जो चुनाव का वक्त है, ये वक्त है जनता को बताने का कि भाजपा सरकार ने 5 साल में क्या किया। कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, सबके साथ उनका तो आरोप यही है कि धोखे किया है सरकार ने, जुल्म किए हैं, भ्रष्टाचार से जनता परेशान है, और जनता को समझाया जाए और आगे 5 साल के लिए एक अच्छी विकासशील और आम जन की सरकार, जिनमें आम जन की भागीदारी हो, ऐसी सरकार का निर्माण आम जन कर सके, मतदाता को ये सारी बातें करने के लिए कांग्रेस की ओर से ये प्रयास किया गया है। जी रौनक जी, दिनेश सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता दिनेश सिंह, जिन्होंने बताया कि उन्होंने प्रताप सिंह से बात की, उनका कहना है कि अब आने वाली सरकार उनके लिए बहुत ज्यादा हित में काम करेगी, जनता के हित में काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज सोचने वाली बात होती है कि जो चुनाव आ रहा है तो उससे पहले ही आखिर कांग्रेस सरकार को चाय पर चर्चा है, आमजन के बीच जाकर है, वो बात करने की जो सोच है वो कहाँ से जगी।